राम अवतार का पहला कारण जय विजय, द्वारपाल, वैकुंठ के चौकीदार। आजकल चौकीदार शब्द बहुत है, इसलिए मैं वैकुंठ के द्वारपाल। हम जब राजाशाही थे ना, तब हम सौराष्ट्र प्रांत के भावनगर परगणे में के नागरिक हैं, और भावनगर का महाराजा देवताई महाराजा। जब हिंदुस्तान सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण सब रजवाड़ा एक इकट्ठे नहीं हुए, तब की घटना। चौकीदार कैसा होना चाहिए, अद्भुत घटना है। एक मुस्लिम नाम था दिला, जिसका नाम था मुबारक, भावनगर नरेश का चौकीदार था साहब। ये बनी घटना, बिल्कुल हकीकत, आपने कई बार सुनी होगी, मैंने पढ़ी है, मुझे कल स्मरण दिलाया गया। एक इस्लाम धर्म का बंदा मुबारक भावनगर नरेश की तिजोरी का चौकीदार था। भावनगर की महारानी को किसी प्रसंगवश श्रृंगार के लिए अपने गहने चाहिए तो चाबी मुबारक के पास रहती थी। राजरानी मुबारक को कहती थी कि हमें इस प्रसंग गोंडल जाना है, फला जाना। उस वक्त राजाशाही का जमाना, हमें ये गहने, और एक चौकीदार चाबी रखता था भावनगर नरेश की खजाने का। खोलते थे महारानी खुले हुए खजाने से, प्रसंग पर जो गहने पहनने हो वो चुनती है, लॉक करती है। चाबी मुबारक को दे देती थी। दो तीन दिन के प्रसंग के बाद गहने उतारे, फिर मुबारक को बुलाए, मुबारक लो ये गहने तिजोरी में रख दो। मुबारक रख देता था, कुंजी एक चौकीदार के हाथ में रहती थी। समय बीतने लगा। एक बार महारानी किसी विशेष प्रसंग के लिए मुबारक को कहती है, मुझे आज वो हीरे का हार पहनना है, दो। बिल्कुल फकीर जैसा चौकीदार तिजोरी खोलता है, रानी बा साहेब आप अति कीमती भावनगर खजाने का अति कीमती गहना देती है। प्रसंग पूरा हुआ, बात घटना घट गई, कुछ दिन बीत गए। पता ही नहीं रहा, चाबी तो मुबारक को दे दी गई थी। कुछ दिन के बाद महारानी कहती है, मुबारक वो हार निकालो तो तिजोरी से। चौकीदार गया है, नक्षिक पवित्रता का विग्रह था मुबारक, तिजोरी खोलता है, हार नहीं है। अरे जीवड़ा, गजब थी। भावनगर की महारानी कहेगा, मुबारक हार क्यों नहीं, जहर पी गया। डाउट हुआ चौकीदार पर कि आखिर एक चौकीदार मन बिगड़ा होगा, भावनगर ने भरोसा रखकर खजाने की न दीवान को दी, न किसी सचिव एक चौकीदार को दी, और वो भी मुस्लिम। मुख पर कुछ नहीं कहा। रानी को चिंता हुई, कभी महाराज को पता लगेगा, क्या जवाब दें, लेकिन मुंह लटक गया। दिन प्रतिदिन महारानी के मुख का तेज कम होने लगा। यहां मुबारक चिंतित है। महाराजा ने एक हमारे भावनगर की महारानी साहिबा को पूछा, राजरानी आपको चिंतित नजर आते, माजरा क्या है?
महाराजा साहेब, वो हार नहीं मिल रहा है। मुबारक संभालता है, हमारी पेठी ने उस पर भरोसा रखा है। मन में मुबारक के पर शंका की सुई गई, बोले तो नहीं। महाराजा ने बुलाया मुबारक को, मुबारक समझ गए बापू नाचीज आपकी क्या सेवा कर सकता है। मुबारक हार हाँ बापू कुछ चुक हुई है, चला गया। घरना खूणा हो ये घना ने बहु मदद करी, मिट्टी का घर मुबारक का एक कोने में घुटने टेक कर हाथ ऊपर उठाए, हे अल्लाह ताला, हे परवरदिगार, तेरे द्वार पर दुआ बरसती है। मैंने सपने में भी जो मेरा दिल और मन बिगड़ा हो तो मेरा शर्म कलम कर दो, या तो सत्य बाहर लाओ परवरदिगार, या तो मुबारक को कब्र में दफना दो। बिल्कुल घटी घटना, शत प्रतिशत। 24 घंटे बीते ही महारानी अपने कपड़े की अलमारी खोलती है, पर अलमारी खोलते हुए बूर से रखा हुआ हार महारानी की साड़ी से नीचे गिरा, जार जार भावनगर की महारानी रोने लगी, अरे हमने मुबारक के सामने उंगली उठाई। एक फकीर का द्रोह किया, दरबार से महाराजा साहब को बुलाया गया। महारानी कोई बोले नहीं महाराजा साहब मेरी भूल है, मैंने माना था कि मैंने मुबारक को हार दे दिया और मेरी भूल से मेरी अलमारी की साड़ी में रह गया, मुबारक का कोई दोष नहीं। महारानी मैं मुबारक के सामने मुंह कौन ले जाऊं, कौन मुंह लेकर जाऊं, मैं कैसे उससे बात करूं, हद हो गई। सेवकों को कहा कि मुबारक को बुलाया जाए। मुबारक को आज लगा कि बस आज मृत्युदंड। एक घोटी थी, एक वैत ऊंचो पाई जावो, बांडियों पहरियो छे, खुदा की तस्बीह गले में, उघाड़ा पगे मुबारक आयो, अन्नदाता हमारे माए बाप हुक्म करो। हुक्म नहीं करना है मुबारक, मुझे और रानी को तेरी माफी मांगनी है बापू, हमारी भूल की। भूल रानी चुक गई थी और हमारे सबके मन में तेरे प्रति शक गया था बापू, आप तो मेरे अन्नदाता हो, अल्लाह ने लाज रखी और तो मैं क्या करूं। कथा कहती है बनी घटना, उसके बाद मुबारक ज्यादा जिया नहीं। वही कौन कि आज तो लाज रख ली, फिर कभी क्या हो। सिलसिला चलता रहा, चावी मुबारक के पास चाविया। एक दिन ऐसी घटना घटी, खजाने की चावी को खजाना बंद करके सब गहने रख करके मुबारक चाबी वहां छोड़ देता है।
महारानी साहेब आई, चाबी देखी। महाराज मुबारक ने चाबी क्यों भेजा? महाराजा को बुलाए, मुबारक चाबी रख कर गया है, कहीं उसको बुरा लग गया होगा, जरा तलाश की जाए। महाराजा का दूत मुबारक को बुलाने जाता है, मुबारक की बस्ती से एक आदमी दौड़ता आता है आंसू लेकर, खावेंद मुबारक ने फना दुनिया छोड़ दी है। मुबारक चला गया, मुबारक चला गया। हां बाबा, आज सुबह तस्बीह लेकर बैठा था, हम सबको लगा कि आज कुछ होने वाला है। बंदगी करते करते गिर पड़ा। ओ मुबारक, गजब किया तूने। सेवकों को कहा, मुबारक का जनाजा निकले तो नीलम बाग के द्वार के पास से निकले, और तब मुझे बुलाना, मुबारक के जनाजे को मैं कंधा देना चाहता हूं। भावनगर नरेश, एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, आठ घंटे बीत गए। महाराजा ने, महारानी ने, राजभवन के सदस्यों ने पानी नहीं पिया। जैनी टूटे जो इन्हें माया माए मीठप नहीं। महाराजा ने पूछा कि इतनी देर क्यों हो रही है? सेवक गए, मुबारक के परिवार जनों को पूछा, देर क्यों हो रही है? कोई जवाब नहीं दे पाया। अरे बोलो, बापू को कहो मुबारक के घर में कफन के पैसे नहीं है। चौकीदार उसको कहते हैं, इसलिए देर हो रही है, कफन कहां से लाए? महाराजा ने हुक्म किया, उसका जनाजा अद्भुत रूप में संवारा जाए। दो तीन घंटे में जनाजा तैयार हुआ। हमारी भाषा में कहूं ना तो आंखों भावनगर हिप के चढ़ी उती थी। मुबारक, मुबारक, तूने क्या किया? कथा कहती है, काल अखबार नी कथा है। नीलम बाग के द्वार से भावनगर नरेश ने जनाजे को कंधा दिया। दो तीन मीटर चले, सेवकों ने कहा, बापू बोले नहीं, अब तो कब्र तक भावनगर जाएगा। जनाजा उठा करके कब्र तक गया, दफनाया मुबारक को। उसकी कब्र आज भी भावनगर में है, और वहां लिखा है लॉक ऑफ द नीलम बाग। यहां कौन सोया है? नीलम बाग का ताला सोया है, लॉक ऑफ द नीलम बाग वहां लिखा है। उसको कहते हैं चौकीदार।